तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कल से ओपन होने वाले नए आईपीओ के बारे में। हम लोग बहुत दिन से आईपीओस की बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में आईपीओ होता क्या है, हम आपको एक शॉर्ट में बताते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जब भी किसी कंपनी को फंड रेज करना होता है तो वो सीधे सीधे अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है, वो भी एक रिजनेबल प्राइस पे। इसका एक प्रोसेस होता है, फिर ये शेयर्स NSE और BSE साइट्स पे लिस्ट होते हैं। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हम सेपरेट बना देंगे। अब हम बात करते हैं कल से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में। नेट वेब टेक्नोलॉजीज, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। आजकल सब कुछ तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितना बूम है आजकल। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है। आज तक 300 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर चुकी है और इंस्टॉल कर चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ में वर्क करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग सर्विसेज, ऑटोकैड, IoT। इन सेक्टर्स का स्कोप तो बहुत ही बड़ा है, ये तो आप भी जानते हैं। तो कंपनी बेसिकली जो वर्क करती है वो आपको पता चल गया होगा अब तक। अब अगर बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो आईपीओ 17 जुलाई से ओपन हो रहा है, 19 जुलाई को क्लोज होगा, मतलब कल से ओपन होगा। फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर, प्राइस बैंड रखा है 475 टू 500 रुपये पर शेयर, लॉट साइज है 30 शेयर्स का, मतलब 15,000 रुपीज़ का। कंपनी टोटल इशू 631 करोड़ का ला रही है, जहाँ पे फ्रेश इशू है 206 करोड़ का और ऑफर फॉर शेयर है 425 करोड़ का, मतलब कि जो स्टेक होल्डर हैं वो बेच के जा रहे हैं 425 करोड़ का शेयर्स। अगर एम्प्लॉयज़ का देखा जाए तो 25 रुपीज़ पर शेयर उनको डिस्काउंट मिलेगा। आईपीओ अलॉटमेंट 24 जुलाई को होगा, रिफंड 25 जुलाई तक हो जाएगा और लिस्टिंग देखा जाए तो 27 जुलाई को होगा, मतलब थर्सडे को। इसमें अगर रिजर्वेशन देखा जाए तो अच्छा खासा रिजर्वेशन है रिटेल्स के लिए, अलॉटमेंट इजी बनता है, 35% इसमें रिजर्वेशन है। QIB और HNI के लिए तो 15%, वो तो लगभग हर आईपीओ में होता है। अगर आप बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। 4 साल का अपना कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो किया है 2020 से 2021, 22, 23, जिसमें टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इवन टोटल बोरोइंग भी है जो इंक्रीज हुई है। तो अगर देखा जाए बोरोइंग 15.23 करोड़ से 35.60 करोड़ हो गई है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 7.99 करोड़ से 83.48 करोड़, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा है। तो ये बोरोइंग्स जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती है कंपनी के लिए। नेटवर्थ भी 13.65 करोड़ से 93.67 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है 3.91 करोड़ से 46.94 करोड़। टोटल रेवेन्यू 445.65 करोड़ हो गया है। टोटल एसेट्स 265 करोड़, 50 करोड़ से। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन तो अच्छा खासा बन ही रहा है कंपनी का। अब बात कर लें कि आईपीओ कंपनी लेकर क्यों आ रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव कुछ हमने यहाँ पे शो किए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, तो उसे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनवानी है जहाँ पे उसे ऑफिस वगैरह सेटअप करना है और फैसिलिटीज़ कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वहाँ से प्रोजेक्ट्स वगैरह रन कर सके, नए इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह की रिक्वायरमेंट है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए जो प्रोजेक्ट वगैरह रन करने के लिए चाहिए। कुछ रीपेमेंट वगैरह, प्री पेमेंट वगैरह करेगी, जिससे कि जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये तो एक पर्पस अच्छा है, जिससे कि उनकी
जो ईयरली इंटरेस्ट जा रहा है वो भी कम हो जाएगा और उनका फाइनेंशियल और स्ट्रांग हो जाएगा, जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस वगैरह है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कह सकते हैं शो कर रहा है और एक स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कंपनी के। अब हम बात करते हैं अपने मेन इशू के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है जिसके बेसिस पे आईपीओ बिडिंग होने वाली है। तो अभी तक के जितने भी आईपीओ आए हैं उनसे ज़्यादा ही चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। नेट वेब टेक्नोलॉजी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 380 रुपये चल रहा है। प्राइस बैंड है 475 to 500 रुपीज़, मतलब कि 76% पर ट्रेड कर रहा है। डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन कितना जाता है, मार्केट मूड कैसा रहता है। तो ये अभी इतना ही रहेगा कि इतना इससे ज़्यादा भी जाएगा कम भी जाएगा, वो अब सीधे डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन और मार्केट मूड पे। फिलहाल तो लग रहा है कि लिस्टिंग गेन अच्छी होने वाली है। फॉर मोर क्विक अपडेट्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, फॉलो द इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बजा दीजिए घंटी।